हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बी सुमन स्वीट लाइफ। तो आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं एक घर देखने। तो काफ़ी दूर था और फाइनली हम लोग पहुंचने ही वाले थे। और ये घर हम लोग एज अ फार्म हाउस लेने वाले हैं। और ये है वो जगह एकदम नेचर के बीच में। प्रोजेक्ट अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और सैंपल हाउस ही बनाया हुआ था, तो बारिश की वजह से काम बहुत स्लो हो गया था। अभी नॉर्मल हुआ है तो अब फटाफट इसको पूरा रेडी करेंगे। अभी एकदम रॉ हाउस है, फुली रेडी नहीं हुआ है, बट फिर भी हम देखने आ गए। और यहाँ पे चारों तरफ एकदम मस्त नेचर है, एकदम खुला माहौल है। यहाँ पर एकदम शांत जगह है और कुछ इस तरीके का ये दूर से दिखता है। दो गुंठे ज़मीन में इसको बनाया है पूरा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेन एंट्रेंस है इसका। मेन एंट्रेंस पर इस तरफ अंदर साइड आरसीसी करके देंगे, पार्किंग के लिए एक कार पार्किंग मिलेगी। और सामने सीधा घर तक का मतलब एंट्री से मेन गेट, एंट्री गेट से घर के मेन गेट तक ब्लॉक्स की रोड आने वाली है। और बाकी जितना स्पेस आजू बाजू साइड में बचेगा उन सब जगहों पर गार्डन और घास वगैरह लगा के देने वाले हैं। तो इस तरफ पूरा गार्डन आएगा घास, और साइड में क्यारी आएगी पूरी पेड़ों की। और घर के दोनों साइड में साढ़े छः फीट जगह छोड़ी हुई है। ये कुछ इस तरीके से दोनों साइड गैलरी टाइप छोड़ा हुआ है। और बैक साइड में 2.5 फुट जगह छोड़ी हुई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बैक साइड में 2.5 फुट जगह छोड़ी है। और इसके दूसरे तरफ में टॉयलेट और बाथरूम का गड्ढा बनाया गया है यहाँ पे, जिसे खारकुआ भी कहते हैं। इस तरीके से इसको बना के रखा है। अब चलते हैं आगे मेन एंट्रेंस पे। तो कुछ इस तरीके का ये चारों तरफ से है। और आप लोग यहाँ देख रहे हो चारों तरफ एकदम हरियाली ही हरियाली है। और ये है घर के मेन एंट्रेंस के आगे की जगह। तो यहाँ पे स्टील की एसएस की या लोहे की कोई भी एक रेलिंग लगा के मिलेगी, अभी कंफर्म नहीं है। स्टेयर्स हैं और यहाँ से मेन एंट्री है। और इतनी जगह है, ये मेन एंट्रेंस है। अभी हमने फाइनल नहीं किया है, देख लिया है और डिसीज़न पेंडिंग में है, एक बाकी घर वाले देखेंगे। और चलते हैं अब अंदर हॉल में। यहाँ पे विंडो है और ये है इसका हॉल, ड्राइंग रूम। और यहाँ सामने है एक बेडरूम, अगर आप चाहें तो कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला था हमको। मतलब जैसे हॉल बड़ा कर दो, एक ही बेडरूम रखो, क्योंकि ये 2 BHK है। तो अगर आपको नहीं चाहिए 2 BHK तो 1 BHK भी करा सकते हो, बोल के उन्होंने ऐसा बोला हमको। और ये है इसका फर्स्ट बेडरूम। दोनों तरफ से विंडोज़ हैं तो वेंटिलेशन का तो कोई भी इशू मुझे नहीं लगा, यहाँ पर अच्छा खासा वेंटिलेशन है। और इसके बगल में दूसरा बेडरूम है ये, जो कि किचन से अटैच है। और इसमें भी 2 विंडो है। कुछ इस तरीके का दिखता है ये। और यहाँ पे सामने आएगा किचन, किचन में भी बड़ी विंडो दी है। वेंटिलेशन फुल है इस घर में। और यहाँ से देखो बैक साइड में ये पोल, ये लोग रिमूव करने वाले हैं, यहाँ से हटा के दूसरी जगह लगाएंगे। आपको किचन में अच्छे से दिखाती हूँ, ये है पूरा किचन। यहाँ पे किचन बना के मिलेगा पूरा। और किचन के बगल में यहाँ पे है बाथरूम, ऊपर बाथरूम का विंडो।
और इस तरफ है टॉयलेट। तो कुछ इस तरीके का दिखता है ये घर, और देख लिया है। और अब एक बार मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ कि बाहर से प्रॉपरली कैसा दिखता है। कुछ इस तरीके का लुक है इसका बाहर से। हमको काफ़ी पसंद आया है। और ये था हमारे होने वाले फार्म हाउस का एक वीडियो, और फाइनल नहीं किया है अभी, फाइनल होते ही आपको बताएंगे। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए।